रूस दोस्ती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर है, जहां वो आपसे कुछ ही देर बाद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर है। पीएम मोदी भारत और रूस की दोस्ती ऐतिहासिक पर क्या बोलेंगे, कल रात राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात पर क्या बोलेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, रूस में एक बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जो है वहां पर रहते हैं, और आज से भारत और रूस के रिश्ते नहीं है, बहुत पुरानी ये दोस्ती रही है। और ऐसे में याद कीजिए कि जब चाहे रशिया यूक्रेन युद्ध की बात हो, उस वक्त भी भारत का स्टैंड एकदम क्लियर था। आपको सीधे लिए चलते हैं रूस के मॉस्को, जहां से मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, अब से कुछ ही देर बाद जो है मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय समुदाय के लोगों की, लेकिन ये तस्वीरें देखकर कई ऐसे देश है जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, या कह लीजिए बहुत जलन होगी। देखिए, किसको अच्छा लगे ना लगे, हमें तो ये दोस्ती पसंद है, हमें तो ये दोस्ती अच्छी लगती है और हम इस दोस्ती को निभाएंगे। देखिए, भारत माता की जय कह रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं ये पूरा भारतीय समुदाय यहाँ बैठा है। देखिए, ये पूरा भारतीय समुदाय यहाँ पर बैठा है, साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर रहेंगे। भारत की ये दोस्ती, महादोस्ती। अब ये देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर यहाँ पहुंचे हैं, इन तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पहुंचे हैं, थोड़ी ही देर में यहाँ पर उसी दरवाजे से जो हल्का सा खुला हुआ है, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंदर आएंगे। और भारत के इस समुदाय को, जो कि रूस को अपना घर बना चुका है, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, ये पूरा भारतीय समुदाय यहाँ पर आया हुआ है। और ये वो मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, और उम्मीद ये है कि वो यहाँ पर इस समुदाय को, भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो भक्त भी हैं, भगवान भी, भगवान को भी मानते हैं, और जानते हैं कि रूस में एक तरह की एक स्पिरिचुअलिटी है, और इस स्पिरिचुअलिटी के लिए कई जगह, मनोज जी नमस्ते, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने पत्र लिखा था पीएमओ को, और रशियन फेडरेशन को भी आपने पत्र लिखा था, पुतिन को पत्र लिखा था, पुतिन को पत्र लिखा था, राष्ट्रपति पुतिन को, और क्या पत्र लिखा था, क्या मांग की थी आपने? देखिए, रशिया में ना सिर्फ 5 रिलीजन ऑफिशियल है, उसमें से पहला आता है क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, मुस्लिम, जूस और बुद्धिज्म। वो हमारे हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है। तो हमने उनको बात किया और बताया कि देखिए, सबसे पहले तो हिंदू धर्म आया, और जो पहले आए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा करते हैं। उनको ये बात सही लगी और वो मानते हैं कि यहाँ पे हिंदुइज्म होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मॉस्को में मंदिर बनाने की बात हो रही है। तो आपको उम्मीद है आज कुछ सुखद समाचार मिल सकता है? मुझे लगता है गुड न्यूज आएगी कि मॉस्को में मंदिर बन सकता है। एक गुड न्यूज तो आई है कि जो यहाँ पर भारतीय थे, जिनको कि पहला कर फुसला कर रूसी आर्मी में शामिल कर दिया था, उनको राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वापस भारत भेज देंगे। सब लोग पैसों के वजह से आए थे, सबको 2.5 लाख रुपए महीने के मिल रहे थे, वो लोग पैसों के लालच में काम किए। पर अब लेकिन कहा गया है कि उनको अब वापस लीबिया भेज दिया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। क्यों नहीं? हाँ, नहीं किया गया, सब लोग से रिक्वेस्ट किया ना, और उन्होंने माना था, यू नो दे वांटेड मनी, मनी वाज अ फैक्टर, राइट? ठीक है, मनी वाज अ फैक्टर, लेकिन करें तो काम करें यहाँ पर, लेकिन अच्छा काम करें, है ना, रूस में। लेकिन काम करने का माहौल अच्छा है आपके आपके हिसाब से? आज की तारीख में रूस ये बात जान गया कि सबसे ज्यादा अगर गल्फ को किसने बनाया तो हिंदुस्तानी ने बनाया, अब वो बात मान गए हैं। तो रूस भी अभी सबसे ज्यादा हमारे क्वालिफाइड लोगों को लेना चाहता है, हाई स्किल लेबर, स्किल लेबर की बहुत बड़ी डिमांड है, और रशियन गवर्नमेंट अच्छे से देख रही है कि उसको हम कैसे पूरा करें। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप ये कह रहे हैं कि हाई स्किल लेबर की डिमांड है, आपको लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और साइंस, इस पर दोनों पर हम काम कर सकते हैं साथ में एज अ कंट्री? क्यों नहीं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को हम बहुत दूर हैं, हम तो हिंदुस्तानी लोग ने स्पिरिचुअलिटी को जिंदगी भर सोचा कि हमारा है, लेकिन हमने उसके ऊपर काम ही नहीं किया है। आप रशियन के सामने तो बहुत छोटे बच्चे हैं, न्यूटी बॉर्न है रशियन के सामने, स्पिरिचुअलिटी का आप बीट भी नहीं कर सकते हो। सद्गुरु जी है यहाँ पे, उनके पास रशियन चैनल है, 2.5 मिलियन
रशियन चैनल के। देखिए मैं जरा तो कई सारी बातें हो रही है, आध्यात्म पर, साइंस पर बात हो रही है। मॉस्को में मंदिर बनाने की एक कवायद है, एक रिक्वेस्ट गई थी जो मनोज जी थे इन्होंने किया है, और पीएमओ की तरफ से सुखद समाचार की उम्मीद है। क्या पीएम आज इसका ऐलान करेंगे? वीजा को लेकर कुछ रिलैक्सेशन नॉर्म्स, कुछ कोऑपरेशन नॉर्म्स की बात हो रही है, क्या उस पर बात होगी? या प्रधानमंत्री ये संदेश देंगे कि भारत का परचम लहराओ, मेहनत करो? लेट्स सी, थोड़ी मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे सब लोग बैठे हुए हैं। यू कैन सी सामने वहां पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर वहां बैठे हुए हैं, ही इज सिटिंग देयर। अभी थोड़ी देर पहले वो आए थे, उसके पीछे एसपीजी लगी है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, और ये पूरा हॉल भरा हुआ खचाखच फिल्ड। ये जो रो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ ये है, आप देखिए। अब धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री जी के साथ पीएमओ से लोग आए थे वो भी आपके साथ हैं। दे आर ऑल्सो कमिंग। In a short while from now, PM Narendra Modi should be entering. ये वो दरवाजा है जहां से उम्मीद है कि वो जन समुदाय के बीच में से आएंगे। PM Modi के लिए everybody is waiting with bated breath. सबका यही इंतजार कि PM Modi कभी भी यहां से आ सकते हैं। ठीक 9 बजे मॉस्को टाइम उनका यहां पर आने का समय था, 11:30 इंडिया टाइम। 9 बज चुके हैं, घड़ी में 9 बज रहे हैं। एनी मोमेंट नाउ इज एक्सपेक्टेड। The officials of PMEA, officials who have been traveling with the Prime Minister, सब यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। डॉक्टर जयशंकर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारतीय समुदाय को क्या दिखाते रहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कार्यक्रम किसी विदेश की धरती पर हो रहा है। ऐसा लग रहा है जिस तरीके से हर किसी के हाथ में भारत का झंडा दिखाई दे रहा है, कोई भारत माता की जय, ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम भारत की धरती पर है। देखिए यहाँ इस हॉल के अंदर अभी सिर्फ 500 लोग हैं, 1,00,000 से ज्यादा भारतीय यहाँ रहते हैं, 1,00,000 से ज्यादा भारतीय है, और उनका ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे किया गया था वैसे ही यहाँ पर भी किया। ये देखिए फॉरेन सेक्रेटरी सवात्रा और भारतीय राजदूत विनय कुमार जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो फॉरेन सेक्रेटरी सवात्रा, भारतीय राजदूत विनय कुमार जी वहाँ पहुंचे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पहले से ही वहाँ विराजमान है। अब कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ सकते हैं। मैं आपको ये तस्वीरें रखता हूँ, आप देखते रहिए, उनकी दरवाजे पर नजर रखी है। जैसे ही पीछे की तरफ आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह बढ़ता हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। और मैं आपको यही कहूंगा कि 500 से 600 लोग ही हैं यहाँ पर। यहाँ मॉस्को में 1,00,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उनका कहना है कि अगर मोदी जी यहाँ आते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जैसे आयोजन हुआ था तो पूरे रशिया से जितने भारतीय हैं सब उन्हें देखने आएंगे, और खुद ऋषि मूल के लोग भी उन्हें देखने आएंगे क्योंकि बहुत बड़े ही पॉपुलर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ। बिल्कुल आनंद, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। देखिए ये तस्वीर आपको मॉस्को से दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही मिनटों में, जैसे कि आनंद सहयोगी लगातार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे। विदेश मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, भारत के राजदूत जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही मिनटों पर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे। आनंद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। आनंद, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, कि विदेश की धरती पर भी सनातन और हिंदू की बात की जा रही है। और अगर रशिया में ये बात की जाती है कि वहां पर भी एक हिंदू मंदिर बनाया जाए, तो ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत गर्व की बात है। आनंद का रुख करेंगे, आनंद का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। देखिए बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें होती हैं, ये भारतीय संस्कृति है जो शायद ही आपको विदेश की धरती पर दिखाई दे, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और हर देश में, हर प्रदेश में आपको जो है हिंदुस्तानी नजर आएंगे। और ये भारत की संस्कृति देखिए किस तरीके से, कभी शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मॉस्को की धरती पर जो है इस तरीके से भारत की झलक, भारत की बेहद खूबसूरत झलक जो है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश कहा जाता है, जहां हर 2 किलोमीटर के बाद पहनावा और भाषा बदल जाती है, और उसकी झलक आपको मॉस्को में दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचेंगे वहां पर, वो तस्वीरें भी सबसे पहले आपको दिखाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में डिनर रखा, जहां पर दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 बातचीत हुई, और इसका असर 12 घंटे में ही नजर आने लगा। लेकिन बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने रूसी सेना में शामिल हुए भारतीयों का मुद्दा उठाया था, और इसी पर पुतिन ने उन्हें तुरंत भारतीयों को छोड़ने का ऐलान कर दिया। मॉस्को के मुताबिक यूक्रेन जंग में शामिल भारतीय जल्द ही भारत लौटेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है सभी भारतीयों को देश वापसी करवाने में रूस मदद करेगा।
दरअसल एक वीडियो जारी किया गया था कुछ भारतीयों की तरफ से जो रूस में मौजूद है, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें धोखे से या गलत तरीके से जो है रूसी सेना में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद अब पीएम मोदी ने ये डील जो है रूस के साथ की है। मैं एक बहुत बड़ा अपडेट आपको देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच कल राष्ट्रपति पुतिन के घर पर, उनके प्राइवेट निवास पर जो मॉस्को से थोड़ी दूर पर है, वहां जब ये बातचीत हुई, एक बहुत बड़ा फैसला, अहम फैसला दोनों नेताओं ने किया है। प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि जितने भारतीय लोग हैं जिनको कि बहला फुसला कर और झूठ कहकर रूसी आर्मी के साथ उनको एनलिस्ट किया गया है, उनको वापस घर भेज दिया जाए। और करीब 35 से 40 ऐसे लोग हैं जिनमें से 4 की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बाकियों को कहा जा रहा है, और कुछ पैसे ही लौट चुके हैं, करीब 10 लौट चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर 35 से 40 लोग थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भारतीय समुदाय के लोगों के बीच, जहां पर पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। देखिए, रूस वो धरती है जहां पर 1 लाख से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, और अमूमन आपने देखा होगा कि पीएम मोदी जब भी किसी विदेश के दौरे पर जाते हैं वहां के भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हैं। मोदी मोदी के नारों से किस तरीके से मॉस्को की धरती गूंजती हुई नजर आ रही है। अब आप ऐसे में ही पीएम मोदी के कद का अंदाजा लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर है, लेकिन वहां पर भी मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रखी है। और अमूमन हमने हर बार देखा है कि पीएम मोदी जब भी किसी विदेश के दौरे पर जाते हैं वहां के भारतीय समुदाय के लोगों से जरूर मुलाकात करते हैं, और जब वहां पर मुलाकात करते हैं अगर उन्हें किसी तरीके की दिक्कत है तो उसको भी सुनते हैं। और जो अपडेट सबसे बड़ा आज हम आपको बता रहे थे कि कल जो है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक प्राइवेट डिनर हुआ है, जिसमें पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि भारत, एक बार सुनिए। मोदी मोदी वहां पर किस तरीके से सुनाई दे रहा है, पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि देखिए जब पीएम विदेश की धरती पर जाते हैं भारतीय समुदाय के लोगों से बात करते हैं, और हमेशा हमने देखा है चाहे वो अमेरिका से लेकर रशिया तक क्यों ना हो, दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स, ऐसे में वहां पर जब भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हैं तो लोग दिल खोल कर पीएम मोदी का स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत किस तरीके से लोकतंत्र की सबसे बड़ी पटकथा आज के समय में लिख रहा है, और उसकी सबसे मजबूत कड़ी अगर कोई है तो वो है पीएम मोदी। और यही वजह है कि आज देखिए मॉस्को में बकायदा एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री पहुंचे, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन उनके लिए बकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां भारतीय समुदाय के लोग पहुंचे। और जैसे कि मेरे सहयोगी आनंद वहां पर बता रहे थे कि 500 से ज्यादा भारतीय वहां पर पहुंचे हैं, हालांकि तादाद में अगर देखा जाए तो रूस के अंदर 1 लाख से भी बड़ी तादाद में रूस में भारतीय रहते हैं। और अब हम बात करते हैं उन मुद्दों की, क्योंकि हस्ताक्षर की बात की जा रही थी, प्राइवेट डिनर की बात की जा रही थी, और जैसे कि मेरे सहयोगी आनंद आपको सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे थे, ऐसे भारतीय समुदाय के लोग जिन्हें जबरदस्ती या धोखे से या छल से दरअसल सेना में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ था तो ऐसे में उन लोगों को सेना में शामिल कर लिया गया था जो भारतीय समुदाय के थे, जिसके बाद एक बकायदा वीडियो जारी किया गया उन लोगों की तरफ से, और उन्हें कहा गया कि देखे हम जो है यहां पर परेशानी में, हम चाहते हैं कि हम यहां से निकलना चाहते हैं लेकिन हम नहीं निकल पा रहे, जिसके बाद इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल डिनर पार्टी में किया। आप ये समझे पीएम मोदी वहां पर गए, लेकिन पीएम मोदी उन लोगों को नहीं भूले, अपनों को नहीं भूले जिनका जिक्र वो हमेशा से करते हैं। विदेश की धरती पर जाकर रूस के राष्ट्रपति के सामने उन्होंने इस बात के लिए जो है जिक्र किया कि अब हम चाहते हैं कि आप उन भारतीय समुदाय के लोगों को छोड़ दे, और डील यहीं पर फाइनल हो गई। तुरंत पुतिन की तरफ से जो है फोन किया गया और यह कहा गया कि देखिए अब इन लोगों को यहां से छोड़ दिया जाए, जो भी है सकुशल उन्हें भारतीय सीमा में वापस भेजा जाएगा, और रूस की मदद जो है उसमें पूरी तरीके से की जाएगी। लेकिन अमूमन देखिए ये तस्वीरें देखकर
समझिए बहुत ऐसे देश होंगे जिसमें सबसे बड़ी बात है ड्रैगन, यानी कि चीन की हम बात करें, उसको ये तस्वीरें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ था तो चीन और रूस की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और चीन भारत का किस तरीके से दुश्मन रहा है, किस तरीके से चीन हमेशा से जो है गलत चीजें करता रहा है, वो सबने देखा है। लेकिन इन सबके बीच में रूस के राष्ट्रपति रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दो बार, आप समझिए दो बार जो है वो चीन जा चुके हैं, और यही वजह है कि रूस